इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हांगकांग मार्केट में, और आज से जो है पिछले कुछ दिनों से जब बंद थी हांगकांग मार्केट, विधान मार्केट और अन्य मार्केट जो है वो बंद थी, लेकिन विधान मार्केट 2 दिन पहले ही खुला है और हांगकांग मार्केट जो है वो चाइना प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड है और आज से खुल गई है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति है या नहीं है और क्या हाल है। अब देख ही सकते हैं कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, और आगे चलते हुए यहाँ पे उतनी भीड़ भाड़ की स्थिति तो हालांकि नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर चलते हुए दुकानदारों से भी हम बातचीत करेंगे कि कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। और देखिए बहुत सारी दुकान जो है वो बंद है, सिर्फ जो दुकानदार लोग हैं वही बैठे हुए हैं, ऐसी भी स्थिति आप देख पा रहे हैं। कुछ एक दुकानों में खरीद बिक्री स्थिति जो है वो चल ही रही है, लोग कुछ कुछ सामान खरीद भी रहे हैं। चलिए आगे और बढ़ते हुए और देखते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानदार जुड़े हुए हमारे साथ तो उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, आप यहीं पे करते हैं व्यवसाय, तो अभी तो आज से खुला हुआ हांगकांग मार्केट, सुबह से अभी तक कैसी बिक्री बढ़ती है? बोनी बट्टा भी नहीं हुआ अभी तक, बिक्री नहीं है, एकदम बेकार है, मतलब खुल के क्या करेगा, बोलिए एकदम बेकार बैठा हुआ है। बोनी बट्टा भी नहीं हुआ अभी तक, सुबह से खुला है दुकान 10 बजे से, अभी तक बिक्री बट्टा भी नहीं, एक भी कस्टमर नहीं आया अभी, नहीं आया। आप लोग जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइज वगैरह वो सब करता है हम लोग? हाँ, अंदर में ही है, हम रख दिया है, जब आता है उसका हाथ में दे देता है, और हम लोग का गेट जब घुसेगा ना गेट में भी दे देता है, चेकअप भी करता है ये लोग। अच्छा, तो इसके अलावा बताइए कि चाइनीज बेस्ड प्रोडक्ट हांगकांग मार्केट में मिलती है, अभी जिस तरीके से बहिष्कार की बात की जा रही है तो क्या होगा आने वाले समय में? अभी देखिए, अभी जो हम लोग का जो पहले का है, हम लोग का टैक्स दिया हुआ है, सरकार जब बंद कर देगा तो हम लोग भी बंद कर देगा, है ना, सरकार जब लेकर आएगा तो हम लोग लेगा, नहीं आएगा तो हम लोग इंडियन सामान बेचेगा, नहीं तो सब्जी का दुकान करेगा, करेगा तो कुछ करके तो खाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो कैसे चलेगा हम लोग को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये दुकान में आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चों के खेलने की आइटम्स है, डॉल्स है, अदर गेम्स है, वो सब की दुकानें हैं यहाँ पर, और ये फिलहाल दुकान सुबह से खोल के बैठे, कोई कस्टमर्स नहीं है। बहुत सारी दुकान देख रहे हैं आप बंद ही पड़ी हुई है, यहाँ पर भी कुछ और भी दुकान है, उन दुकानदारों से भी बातचीत करते हैं। सभी दुकान नहीं खुली हुई है, आप देख सकते हैं लोग चश्मे की खरीदारी कर रहे हैं इस बीच, तो ये भी हम उनसे पूछेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग आज शॉपिंग कर रही हैं? आपकी मास्क तो लगा लीजिए, हाथ में रखने से तो काम नहीं होगा। अच्छा, आप लोग अभी मार्केटिंग कर रही है तो क्या क्या खरीदने के लिए सोच रही हैं? हम लोगों ने कुछ शूज़ खरीदे हैं, तो लाइक इनकी शादी आ रही है, सो वी आर थिंकिंग ऑफ मार्केटिंग फॉर द शादी। अच्छा, जिस तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट लोग बहिष्कार कर रहे हैं तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, पीछे से मेड इन चाइना लिखा हुआ रहता है जो चाइनीज़ होते हैं, सो हम लोग वो नहीं खरीदेंगे, हम लोग दूसरा कुछ खरीदेंगे जो मेड इन इंडिया लिखा होगा वैसा। मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहिष्कार में आप भी जुड़ी हुई हैं कि कहीं ना कहीं इसको बहिष्कार? जुड़े हुए हैं, लाइक एग्जैक्टली जुड़े हुए नहीं कह सकते, हम लोगों के फ़ोन्स चाइनीज़ है, वो कुछ नहीं हो सकता अभी, तो जितना हो सके हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग खरीदारी कर रहे हैं चश्मे की दुकान पर, और यहाँ पर आप देखिए चप्पल की दुकान है बहुत सारी, और बहुत सुंदर सुंदर भी मिलता है, लोग खरीदारी भी करते हैं। जब भी यहाँ से एंट्री कर रहे हैं लोग तो उनके लिए स्क्रीनिंग की, सैनिटाइज़र की व्यवस्था जो है वो की गई है मार्केट के तरफ से, और ये काफ़ी अच्छी एक मुहिम जो है वो देखी जाए। आगे बढ़ते हुए और भी दुकानों की स्थिति जो है वो हम आपको दिखाएंगे, तो अंदर बढ़ते हुए हम आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर की स्थिति जो है वो और कैसी है। मार्केट तो पूरे तरीके से यहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं नज़र आ रहे हैं, सिर्फ जो दुकानदार हैं वो अपनी अपनी दुकानें खोल करके रुके हुए हैं। कुछ दुकानदारों से भी हम बातचीत करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात। अच्छा, आप तो यहाँ पे बहुत पुराने एक व्यवसायी हैं यहाँ, हाँ, तो पहले के समय में और अभी के समय में आप क्या डिफरेंस देखिए? अभी जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्या बताए, तब तो नॉर्मल था, अभी लॉकडाउन है, अभी इतना महीना लॉकडाउन है पूरा विश्व भर में, और सब तो बैकफुट में चला गया ना, पैसा भी तो किसी के पास नहीं, काम भी किसी के पास नहीं, बिजनेस नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं, नथिंग, सब आदमी घर में बैठा हुआ है, थप पड़ चुका है, तो आफ्टर ऑल तो बिजनेस जाएगा। अभी जो आदमी जिसके पास जितना भी पैसा है वो अपना चावल डावल लाता मैदा खरीद के जो
दैट मीन क्या बोलता है फैमिली का ऐसे ऐसे वो चलना है ना, पेट बचाना है, सामान एक्स्ट्रा सामान क्यों खरीदेगा। मार्केट आप लोग की कैसे चल रही है? बस वैसे ही हम लोग खोल के बैठा हुआ है, बस वैसे ही खोल के नथिंग कुछ सेल नहीं, जस्ट घर में बैठना, यहाँ बैठना, घर में कितना दिन बैठे है ना, आप भी यहाँ बैठते हैं, फिर भी तो आज खुला है 21 को। फिर हम लोग मार्केट कमेटी एक डिसीजन लिया था, बिकॉज सिलीगुड़ी में तो बहुत स्प्रेड हो रहा है कोरोना गैदरिंग हो रहा है, हम लोगों का मार्केट भी कंजेस्टेड बहुत है, तो हर एक मार्केट में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। बाय द वे अगर हांगकांग मार्केट में कोरोना पॉजिटिव निकल जाए तो हाईलाइट्स बहुत होते हैं, हांगकांग मार्केट है कंजेस्टेड है, वो लोग इसे मेंटेन नहीं कर रहा, तो इसलिए मार्केट कमेटी अपने से बंद कर दिया, बिजनेस है नहीं तो बंद रहे, तो थोड़ा डिस्टेंसिंग रहेगा, कुछ दिन गैप रहेगा, फिर सैनिटाइज वगैरह करके फिर आज से ओपन हुआ है। 21 को क्लोज हुआ था, 30 तक हुआ, दैट आज ओपन हुआ हमको। तो आप देख रहे हैं कि अभी दोपहर के जो है 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पर कोई भी व्यवसायी जो है नहीं, व्यवसायी तो खुले हुए, दुकान खुले हुए हैं, लेकिन कुछ भी जो खरीदारी करने के लिए जो कस्टमर आते हैं वो नहीं है। चाइनीज़ बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें तो ये सब आप देख ही सकते हैं, झालर और अन्य सामान जो गिफ्ट आइटम बहुत सुंदर सुंदर मिलते थे, मिल रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से अगर हम बात करें कुछ ऐप्सों की, जिस तरीके से बहिष्कार किया गया है, सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया गया है, और टिकटॉक जो है वो भी लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना से माल लेना या देना वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाए। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे दुकान जो है वो अभी भी बंद ही पड़े हुए हैं, खुले हुए कोई से भी नहीं दिख रहे हैं आपको, खुल गया है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से देखा गया है, ना के बराबर ही कस्टमर है, बस गिने चुने 2-4 कस्टमर हमने देखे, और बहुत सारे दुकान जो है वो भी अभी तक बंद है। हालांकि सैनिटाइजिंग की और स्क्रीनिंग की व्यवस्था जो है वो की गई है, यहाँ पे जो भी लोग आएंगे तो उनको सैनिटाइज और स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो कोरोना वायरस के बीच में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सभी दुकान जो है बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, तो ऐसी ही स्थिति आज हमने आपको हांगकांग मार्केट से दिखाई। सिलीगुड़ी से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव।